100 कोटी डोस खरोखर पूर्ण झाले आहेत का? झाले असतील तर आनंदच आहे. जगामध्ये देश आपला 19व्या स्थानावरती आहे या सगळ्या डोस देण्यासंदर्भात. पण या संदर्भात वेगळे वेगळे आकडे बाहेर येत आहेत. काही लोक म्हणतात 33 कोटीच डोस, 2 डोस झालेले आहेत. काही लोकांना दुसरा डोस मिळालेलाच नाही. पण शेवटी एकदा एखाद्या गोष्टीचं आपण सेलिब्रेशन करायचं म्हटलं, उत्सव करायचं म्हटलं, तर या देशामध्ये आता एक नवीन प्रथा पायंडा पडल्या. त्याच्यामुळे मोदींच्या उत्सवामध्ये आपण सगळे सामील होऊया. सर, 100 करोड वॅक्सिनेशन पुरे हो गए वही तो मैं बोल रहा हूँ. 100 करोड हो गया, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि 100 करोड नहीं हुए हैं. एक इवेंट चल रहा है, इवेंट चल रहा है. अगर 100 करोड हुए हैं तो ज़रूर ये देश के लिए गौरव की बात है. लेकिन लोग कहते हैं कि 33 करोड़ हो गए हैं. कुछ लोगों को दूसरा डोज नहीं मिल रहा है, वैक्सीन नहीं मिल रहा है, नहीं मिला है. फिर भी अगर हमारी सरकार ने उसका एक सेलिब्रेशन करने की तैयारी की है तो करने दो, हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे. देश है. पिंपरी चिंचवड़ का जो 100 करोड़ घोटाले की बात, देखिए स्मार्ट सिटी का ये सबसे बड़ा घोटाला है. मैं प्रधानमंत्री जी से, गृहमंत्री अमित शाह जी से और उनके अंडर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आती है, जो पूरे देश भर में छापेमारी कर रही है, उन सब से मैं आह्वान करता हूँ. जो मैंने कागज सामने लाया है पब्लिक के सामने, वो पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका में स्मार्ट सिटी का घोटाला है 700 करोड़ का. ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है. ये किसकी कंपनी है, ये कंपनी के कर्ता धर्ता कौन है, कौन से पार्टी के नेता है, किसके साथ घूमते फिरते हैं, किसके अगल बगल में हमेशा दिखते हैं, वो एक बार गृहमंत्री और प्रधानमंत्री ने समझ कर उसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए. मैंने योग्य जगह पर ये कागज़ भेज दिए हैं. मुझे मालूम है कागज़ कहाँ भेजने हैं, ईडी के पास, सीबीआई के पास, हमारी ईओडब्ल्यू के पास, लोकल पुलिस के पास. किस तरह से इसकी कंप्लेंट करनी है हमें मालूम है, हम भी उसमें एक्सपर्ट हैं. लेकिन आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं. भ्रष्टाचार किसी एक पार्टी का नहीं होता. अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए सामने आती है तो पूरा देश का भ्रष्टाचार मिटा डाल. सिर्फ 20 ये पार्टी मेरी पार्टी, ऐसा नहीं होता है. तो इसलिए मैंने वो कागज़ भेजे हैं, पूरी फाइल भेजी है, और जल्दी उस बारे में हम कंप्लेंट लॉन्च करेंगे.